पत्नी से पीड़ित पति के द्वारा महिला आयोग की सदस्य के सामने गुहार लगाई गई। अक्सर आपने देखा होगा और सुना होगा कि पति से पीड़ित पत्नी अपने बच्चों को लेकर किसी अधिकारी या फिर चौकी थाने जैसी जगहों पर अपने पति के द्वारा पीड़ित किए जाने की समस्या को लेकर पहुंचती है, लेकिन पत्नी के द्वारा पीड़ित किए जाने पर पति अपने बच्चों के साथ अपनी समस्या लेकर पहुंचा, ऐसा आपको बहुत कम ही देखने को मिला होगा। अगर आपने नहीं देखा तो हम आपको दिखा देते हैं कि पत्नी से पीड़ित एक पति अपने दो बच्चों के साथ अपनी समस्या को लेकर और पत्नी से बचाने की गुहार लगाने लगा। आपको बता दें, पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य श्रीमती राम सखी कटेरिया मथुरा जनपद के पीडब्ल्यूडी के सभागार में जनता दरबार लगाया था, जिसमें सबकी समस्याएं सुनी जा रही थी। उसी दौरान यहां कुछ अलग ही मामला देखने को मिला। एक पति अपनी पत्नी से पीड़ित होकर अपने दो बच्चों के साथ महिला आयोग की सदस्य के जनता दरबार में पहुंचा। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह व्यक्ति अपनी पत्नी से पीड़ित पति है। मथुरा जनपद के बिरला मंदिर क्षेत्र किशोरी नगर का रहने वाला संजय सैनी है। संजय सैनी का कहना है कि उसकी शादी 2010 में भरतपुर की रहने वाली सुमन से हुई थी, जिसके 10 वर्ष और 11 वर्ष के दो बच्चे भी हैं। संजय सिंह का आरोप है कि पत्नी के अन्य लोगों से नाजायज संबंध है, जिसका विरोध करने पर पत्नी झूठे मुकदमे में फंसवा कर जेल भिजवाने की धमकी देती है। पीड़ित पति संजय सैनी का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को जब अन्य लोगों के साथ रंगरलिया मनाते हुए पकड़ लिया तो उसकी पत्नी ने अपने ही परिवार को बुलवा कर पिटवा दिया और मुझे मारपीट एवं दहेज का मुकदमा लिखवा कर जेल भेजने की धमकी दी। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। मतलब हमारी घरवाली से झगड़ा होता है अगर, और मारपीट करती है बच्चों को, हमसे घर वालों से पटवाती है, पुलिस वाला लाती है, और उसके संबंध में थोड़े गलत हैं अगर, और पैसे वैसे ले गई है, कपड़े लगते ले गई है, चीज़ वस्त्र लगी है सब ये आकर, और उसके घर वाले आते हैं दारू पी के मारपीट करते हैं बच्चों से हमसे आकर, और हमने कई बार पुलिस प्रशासन में आकर रिपोर्ट कराई है, कहना सुनी करी कि हमारा करके कैसा पीछा कर छुड़ा दो इनसे आकर, वो नहीं छुड़ाते कैसे भी आकर, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है आकर। कहाँ के रहने वाले? बिरला मंदिर। कहाँ पर शादी हुई थी? भरतपुर। क्यों परेशान कर रही है? मतलब उसके आगे तो वो परेशान करती है, वो अगर लड़ाई झगड़ा करती है बच्चों से हमसे आकर, तो कारण ये उसके बाहर संबंध गलते हैं आकर, उसके नाया संबंध में बाहर आकर, तो हम पे वो देखा नहीं जाता है, बच्चे देखते हैं तो बच्चों को मारने की धमकी देती है आकर, और वो अपने घर वालों से कहती है कि मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि वो पुलिस को बुला लाती है, पुलिस भी आ जाती है आकर, तो पुलिस भी समझ के बात उनकी बात घर वाले की बात हमने समझ कर नहीं, तो पुलिस भी चली जाती है आकर। 2010 में आकर भरतपुर घर से वो गई है 15-20 तारीख को आकर। क्या कह रही है वो? कुछ नहीं कह रही, तो कह रही तुमको बंद कराऊंगी, झूठे केस में फंसाऊंगी, और जो हमारे सब बच्चों फंसो बंद करा दूंगी मैं आकर, वो दहेज का लगाती है, कभी कहती है कभी मारपीट करते हैं, कभी ये करती है आकर। वो तो क्या मांगे आपकी अब मेरे? मेरी तो खाली यही मांगे कि कैसा भी करके मेरे अपने तलाक करा दो, या फिर आकर उसे मेरे उसे पीछे छड़वा दो आकर। क्या कहा है? बोले कल आना हमारी ऑफिस पे आकर, कल तुमको 11 बजे बुलाएंगे, जब तुम्हारा समाधान करेंगे, अभी कुछ होगा।